Students, how are you all? I hope you all were good. So, as in the previous video, we already studied about lesson number 3, jo ki aapka food tha. And we already completed the topic, good food habits. Usme maine aapko kai sari habits dikhai thi, jaise ki aapko dikh raha hoga. To ye sab hum logo ne complete kar liya tha. मैंने आपको इसीलिए ड्रॉ करके भी सारा दिखा दिया था. सो आपका ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट फिनिश हो गया. वी कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज पार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज पार्ट. फर्स्टली वी हैव टू राइट क्लास वर्क, डेट, on the right corner. Then lesson 3, food. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट है आपका food helps to grow and become strong or weak. The answer is strong. Why? क्योंकि ये जो food होता है वो हमें किस चीज़ में help करता है? Helps to grow. Grow मतलब मैंने आपको बताया था बढ़ना, and become strong. Strong means हमारी body को, हमारे शरीर को मजबूत बनाना. ठीक है, then the तो आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग. इसके बाद सेकंड है आपका ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट और लास्ट मील of the day. Clear? So tell me the answer. Question is, breakfast is the first or last meal of the day. Question आपको समझ में आ गया होगा. अब आपको answer बताना है. Answer क्या होगा इसका? Breakfast कौन सी meal होती है? मैंने आपको 3 meals बताई थी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो दीज आर द मेन इम्पॉर्टेंट 3 मील्स ऑफ द डे. सो टेल मी, ब्रेकफास्ट इज फर्स्ट और लास्ट? वेरी गुड, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. क्लियर हो गया होगा अब आपको. देन वी कंटिन्यू विद द थर्ड वन, क्यूकुम्बर is eaten raw or cooked. So tell me the answer. Cucumber, आपको पता होगा cucumber क्या होता है? Cucumber is खीरा. आप लोग घर में खाते होंगे खीरा, तो ये खीरा है. तो हमें बताइए, खीरा हम रॉ खाते हैं कि कुक्ड खाते हैं? रॉ मींस मैंने आपको डिफरेंस बताया था, रॉ मींस होता है कच्चा, एंड कुक्ड मींस जो हम पका के खाते हैं. तो टेल मी द आंसर. आंसर इज रॉ. व्हाई? बिकॉज क्यूकुम्बर हम कच्चा खाते हैं, उसको हम पकाते नहीं हैं. खीरे को वो वॉटरी फ्रूट भी हो सकता है, वेजिटेबल भी हो सकता है. सो योर फोर्थ वन डू नॉट ईट और ओवर ईट.
ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह समझाया था, ये हमारा फूड का गुड हैबिट्स था जो कि गुड फूड हैबिट्स में आता है। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है डू नॉट ईट और ओवर ईट, मीन्स हमें डू नॉट खाना खाना नहीं चाहिए कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यस, योर आंसर इज डू नॉट ओवर ईट। क्लियर है? ऑल राइट, सो वी कंटिन्यू। इसमें आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, मैंने आपको ड्रॉ करके भी कल अच्छी तरह समझाया था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खा लेने से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिफ्थ है आपका डू नॉट ईट और ईट जंक फूड। डू नॉट ईट और ईट, ये दो ऑप्शन है आपके, डू नॉट ईट, ईट जंक फूड। अब आंसर आप बताएंगे। यहाँ कह रहा है हमें नहीं खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए जंक फूड, मीन्स अब आप बताइए आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था जंक फूड कौन से फूड होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हाइजीनिक है कि अनहाइजीनिक है, मैंने आपको ये भी बताया था। जंक फूड जो होता है वो अनहाइजीनिक होता है, इसीलिए हमें वो नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट जंक फूड। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया लेसन नंबर 3 का, सर्कल द करेक्ट वर्ड। आई होप ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जो कि आप लोग के रिलेटेड चैप्टर फूड से था, जो कि मैंने आपको कल अच्छी तरह समझा दिया था। मैंने आप लोग को ये बताया था डू नॉट ईट जंक फूड, क्यों? इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इस वजह से हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप खा रहे हो तो आपको कभी कदार खाना चाहिए, हमेशा से अगर आप खाओगे तो ये आपके स्टमक में इन्फेक्शन पैदा कर देगा। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको डू नॉट ओवर ईट भी अच्छी तरह समझाया था, हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब आपको ये अच्छी तरह क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाई है वो आपको ड्रॉ नहीं करना है, जब कुछ ड्रॉ करना होगा तो आई विल टेल यू। ओके, यू हैव टू कॉपी आउट दिस इन योर SST फेयर कॉपी। ओके, नेक्स्ट इज योर होमवर्क। आई एम राइटिंग द होमवर्क ओवर हियर। So, you have to search question answer in the बुक पेज नंबर 18। ओके, योर होमवर्क इज यू हैव टू सर्च क्वेश्चन आंसर। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, आपको क्वेश्चन आंसर बुक में ढूंढ कर क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है। ठीक है, मैं एज अ एग्जाम्पल आपको एक बताती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, वाई डू वी नीड फूड, ये मैंने आपको समझाया भी है, तो आप जैसे बुक में क्वेश्चन लिखा है उसी के सामने उसका आंसर लिखेंगे। आपको ये बुक में चैप्टर रीड करके ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढ के आप पेंसिल से बुक में यहीं पे लिखेंगे, और याद रखिएगा इसे कॉपी में नहीं करना है, इसे बुक में ही करना है। ठीक है, थैंक यू।